संकल्प पत्र में ये कहा है कि अगर उनकी बिहार में सरकार आती है तो वो कोरोना की जो वैक्सीन है वो फ्री में देंगे। तो जहाँ बीजेपी की सरकारें नहीं है वहाँ वैक्सीन नहीं मिलेगी, वहाँ टीका नहीं मिलेगा, ये क्लियर करना चाहिए। डॉक्टर नड्डा साहब, डॉक्टर हर्षवर्धन जी, देश के प्रधानमंत्री जी, क्योंकि मैंने उनका जो मोदी जी का स्पीच सुना, पर कहा कि जल्दी ही जब टीका आएगा तो घर घर तक कैसा टीका मिले इसे यंत्रणा बनाएंगे। लेकिन अभी कोई नए सिस्टम बना रहे हैं पॉलिटिकल, जहाँ बीजेपी की सरकारें होगी, जहाँ बीजेपी को ही वोट जाएगा उनको ही वैक्सीन या टीका मिलेगा। ये थोड़ा सा संशोधन का विषय है। एक ज़माने में जब हम बच्चे थे स्कूल में, तब एक घोषणा थी, मंत्र था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आधार ही दूँ। अबे नया घोषणा मैं देख रहा हूँ, तुम मुझे वोट दो हम तुम्हें वैक्सीन देंगे। इस प्रकार से इस देश में कोई राजनीतिक दल डिस्क्रिमिनेशन करेगी, जो हमें वोट नहीं देता है उसे वैक्सीन नहीं मिलेगी, सिर्फ हमें वोट देता है उसको वैक्सीन मिलेगी, ये तो एक क्रूरता है, निर्घृणता है। अब बिहार में अगर किसी पार्टी के लोगों किसी लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया, दूसरे पार्टी को वोट दिया, तो उनको वैक्सीन नहीं देंगे, क्या चल रहा है? देखो ये जो बयान है, जो उसमें जो आया है, चाहे अभी मध्य प्रदेश में भी यही कहा, मध्य प्रदेश में कहा है, तो क्या देश को बांटने की तैयारी चल रही है इस माध्यम से?